हेलो दोस्तों, सब कर लेना बट पोल्ट्री फार्मिंग मत करना। यह वर्ड या शब्द आपने अधिकांश फार्मर के मुंह से सुना होगा और कई सारे लोगों ने आपको बताए भी होंगे। जो अपने नए फार्मर भाई है जो पोल्ट्री फार्मिंग करने की सोच रहे हैं, तो उनको वो जो अधिकांश जो पुराने पोल्ट्री फार्मर जिनके पास जाते हैं उन लोग को एक ही सलाह देते हैं उन लोग की, सब कर लेना बट पोल्ट्री फार्मिंग मत करना। तो आज हम इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे, इसके पीछे का क्या राज है, क्या रीज़न है, लोग ऐसा क्यों बोलते हैं। और अधिकांश मैंने देखा है दोस्तों लोगों को कि आज भी कई लोग पोल्ट्री के चक्कर में बर्बाद हो चुके हैं, पोल्ट्री फार्मिंग करके बर्बाद हो चुके हैं। इसके पीछे का क्या राज है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो जो भी अपने नए फार्मर भाई है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिए। अब हम सीधा बात करते हैं कि सब कर लेना और मगर पोल्ट्री फार्मिंग मत करना। इसका दोस्तों पीछे का राज ये है, यदि आप पोल्ट्री फार्मिंग करते हो तो आपको सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, सबसे पहली बात ये है। और जो भी आपको ये बात बोलता है दोस्तों, तो समझ जाइए कि वो बंदा पैसा अच्छा खासा छाप रहा है पोल्ट्री फार्मिंग में, क्योंकि वह आपको नहीं चाहेगा कि वो बंदा भी पैसे कमाए। क्योंकि दोस्तों आज की दुनिया में यही चल रहा है, कोई किसी को आगे बढ़ना नहीं चाहता, सबसे बड़ी बात यही है। कोई नहीं चाहता कि मैं जिस फील्ड में हूँ वो दूसरा बंदा भी मेरी फील्ड में आए कि ताकि मेरा मार्केट ख़राब करे, या दोस्तों कोई नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि कोई पैसा ना कमाए हम ही पैसा कमाएं। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बता दूं पोल्ट्री फार्मिंग में जो रियलिटी है, पैसा है ज़रूर, बहुत पैसा है, बट आपको जो करने के तरीके हैं पोल्ट्री फार्मिंग करने के तरीके, वह कुछ आप लोगों से अलग कीजिए। जैसे हम दोस्तों लोगों से अलग करते हैं, लोग बॉयलर फार्मिंग करते हैं तो हम कॉकरेल की फार्मिंग करते हैं, मतलब लोगों से कुछ अलग हटके कर रहे हैं। और जो हम मुर्गे को फीड देते हैं वो भी अलग देते हैं, मतलब हमारा हर चीज़ अलग है लोगों से। हम जो मुर्गे को हाई रेट में बेचते हैं, लोग दोस्तों यदि आज तक 170 रुपये तो लोग 5 माइनस में करते हैं, और हम नहीं, हम 170 में ही बेचेंगे, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट में लोग अपना मुर्गा नहीं है। और लोग क्या होता है, डर के मारे जो नए फार्मर रहते हैं वो माइनस में मुर्गा दे देते हैं। तो दोस्तों इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा जो मतलब नए फार्मर उनको लॉस होता है। और कई बार क्या होता है दोस्तों, जो पोल्ट्री फार्मर रहता है अपना भाई, उनको क्या है बीमारी के बारे में पता नहीं रहता, तो कुछ कुछ फार्म में जो फार्मर रहते हैं इतनी बीमारी आ जाती है कि उनको बीमारी का पता ना चलने से उनके पूरे मुर्गी की दोस्तों मॉर्टलिटी हो जाती है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। इस वजह से भी काफ़ी सारे लोग आपको सही सलाह भी देते हैं, मैं मानूँ एक तरह से जो बर्बाद हो चुके हैं उन लोग तो आपको एक ही सलाह देंगे कि मत करो, क्योंकि दोस्तों उन लोग भुगत चुके हैं ये घटना। क्योंकि पोल्ट्री फार्मिंग करना हर किसी की बस की बात नहीं है, अच्छे अच्छे दोस्तों फार्मर कंगाल हो चुके हैं। आखिरी में कुछ लोगों ने तो दोस्तों ज़मीन बेच के अपना कर्जा खंडे हैं, क्योंकि मुर्गी ऐसी चीज़ है कब किसको बर्बाद कर दे और किसको लखपति बना दे कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। मुर्गी का खेल जुआ होता है, मैं आपको ये बात बता दूँ, क्योंकि मुर्गी में कोई गारंटी नहीं है कि आप पैसा कमाओगे या नहीं कमाओगे। तो काफ़ी सारे लोग मुझे भी बोलते हैं कि भाई आप पोल्ट्री फार्मिंग में क्यों आए, आप तो पढ़ाई करना चाहिए आपको। तो दोस्तों मैं इसके बारे में आपको एक डिटेल में जानकारी दूंगा अपने ऊपर कि मैं क्या करता हूँ, मेरी अभी पढ़ाई स्टडी कहाँ से चल रही है, और मैं इस बिजनेस में क्यों आया पोल्ट्री फार्मिंग के बिजनेस में, इसके बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। और मैं आपको बता दूं, आज अपने फॉर्म में कॉकरेल का 36वां दिन और डे 1 से लेकर डे 35 तक मैंने आपको पूरी डिटेल में जानकारी अपने चैनल में अपलोड में करते रह रहा हूँ दोस्तों, आपको पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड सभी जानकारी देते रह रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आज की दोस्तों बात यही थी, सब कर लेना बट पोल्ट्री फार्मिंग मत करना। तो उसका रीज़न यही है कि दोस्तों कोई भी आपको फार्मर नहीं चाहेगा कि वह ऊपर आए पैसा कमाए, क्योंकि उसका मार्केट दोस्तों गिरेगा। यदि मैं अपने एरिया में बात करूँ, यदि कोई मेरा साथी, मेरा भाई कोई दूसरा फार्मर स्टार्ट करेगा दोस्तों, सीधी से बात है कि मेरा मार्केट कम हो जाएगा। जो कस्टमर मैं 170 में दे रहा हूँ, यदि वो 5 माइनस करके देगा उसके, तो लोग उसके पास जाएंगे, तो मार्केट दोस्तों गिरेगा ना। इसलिए लोग बोलते हैं कि सब कर लेना बट पोल्ट्री फार्मिंग मत करना, इसके पीछे का रीज़न यही है। बाकी दोस्तों पोल्ट्री फार्मिंग में पैसा है, यदि आप अच्छे से ध्यान काम करोगे, पूरी मेहनत लगन से काम करोगे, जिसमें पैसा बहुत है बट करने का तरीका होना, और नए नए तरीके से पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, हमें सपोर्ट कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।